भारतीय योगेंद्र यादव जी मौजूद है सर, बहुत 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 शुक्रिया जी सर। इस भीड़ को देखकर क्या लग रहा है, एक तरह से कहें कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही है? मैं समझता हूँ आज मुजफ्फरनगर की जो रैली है वो इस देश के किसान आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। हमने कहा था कि ग्राउंड भर जाएगा, ग्राउंड ही नहीं पूरा मुजफ्फरनगर शहर भर दिया किसानों ने। एक स्वतः स्फूर्त किसानों की जो ऊर्जा थी उसका हमने आज विस्फोट देखा। और जैसा मैंने कहा, 100 सुनार की एक लोहार की, 100 दिन से ये दरबारी और सरकारी लोग कह रहे थे आंदोलन ढीला पड़ गया, ख़त्म हो गया, अब एक झटके में किसान ने दिखा दिया आंदोलन है और जैसा आप सोचते थे उससे बड़ा है। 27 सितंबर को अभी ऐलान हुआ है कि भारत बंद होगा जी, भारत हमने राष्ट्रीय ऐलान हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का गठन इस देश के हर कोने में होगा और उसके साथ 27 तारीख को एक भारत बंद का ऐलान किया गया है। सर अभी मैं आपको मन से सुन रही थी, आप कह रहे थे योगी जी एक तरीके से, योगी जी नहीं एक तरीके से कहें तो ढोंगी हैं। ढोंगी इसलिए हैं कि किसानों को झूठ बोलते हैं। 86 लाख किसानों का ऋण माफ़ कर दिया, RTI में निकलता है 44 लाख। बोलते हैं गन्ने के किसानों का दाम बढ़ाएंगे, 4 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया है। बोलते हैं फसल बीमा योजना का विस्तार करेंगे, 72 लाख से घटके 47 लाख हो गए। बोलते हैं किसानों को फसल का दाम दिलवाएंगे, बोलते हैं किसानों को एक एक दाना खरीदेंगे, 6 बोरी में से 1 बोरी सिर्फ खरीदी है। ढोंगी ना कहें तो क्या कहें, एक और कहना चाहिए, देशद्रोही। क्योंकि जो इस देश में हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाए वो भारत माँ का सच्चा सपूत नहीं है, वो देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। आपने गन्ना की बात की तो उनका साफ साफ कहना है कि हम हमेशा से किसानों के साथ रहे हैं और गन्ना का जो MSP रेट है उसको हम बढ़ोतरी ला रहे हैं, क्या कहेंगे? कर देना, कहाँ बढ़ोतरी हुई आप बता दो। पिछले 4 साल से क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 पैसे की भी बढ़ोतरी की है? केंद्र सरकार 5 रुपया बढ़ाती है, 5 रुपया तो इन्फ्लेशन से कम है, तो गन्ने का रेट कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। एक अंतिम सवाल, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आंदोलन तेज होगा, सघन होगा, विस्तार होगा, और आंदोलन बढ़ेगा तो अपने आप बाकी सब कुछ बढ़ेगा। आंदोलन ना हम आंदोलन छोड़ेंगे और ना ही हम शांति का रास्ता छोड़ेंगे। आर पार की लड़ाई समझे? आर पार की लड़ाई से कई बार लगता है कि एक दिन में झटके में कुछ करेंगे, ना हम अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, शांति से धीरज से लड़ेंगे और आर या पार लंबी लड़ाई में हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने कहा कि यह एक सिर्फ आर और पार की नीति नहीं है, यह आर या पार की नीति है, या कहें कि बीच में जो एक लंबा रास्ता होगा, ये नहीं कि तुरंत इन लोगों में जो बातचीत चल रही है ये तुरंत खत्म नहीं होने वाली है, इसकी हो सकती है कि काफ़ी लंबी इन दोनों की वार्तालाप हो। जाना अहम होगा कि क्या सरकार निर्णय लेती है और क्या 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 किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं श्रुति, अपना उत्तर।